ब्लॉक, ये कंबाइंड ब्लॉक काफी पावरफुल, भेद नहीं पाए। हमारे साउंड सिस्टम से अनुरोध करूंगा, माइक्रोफोन टेस्ट करेंगे, बैटरी चेंज कर देंगे अगर होगा तो। दूसरा माइक्रोफोन जल्द से जल्द कमेटी बॉक्स में भेज देंगे। हेलो, और जहां पे बात की जाए इस मैच की, स्कोर जहां पहुंचा है 5-2। अच्छा, जहां पर 26 जो स्कोर 3-5। अच्छा सेटअप, अच्छा स्वास्थ्य था उतना ही अच्छा। यहाँ पर ब्लॉक 6 नंबर की जर्सी पर फायर आपकी ओर से, स्कोर 4-6, बाप की जगह 4-5, स्कोर है 4-5। अगर इस मैच में बने रहना है फाइनल मुकाबले जीतने के लिए, इस मैच में वापसी करना होगा। भद्रक की टीम को थोड़ी सी खराब डिफेंस, 11 नंबर के जर्सी पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, और इसी के साथ एक और रन प्राप्त करते हुए भद्रक की टीम स्कोर 5 ओवर। सर्विस करेंगे भद्रक की टीम की ओर से 5 ओवर। बहुत ही अच्छा यहाँ चतुराई दिखाया, 3 नंबर की जर्सी पर खिलाड़ी मौजूद थे, स्कोर 6-5। देखना होगा ये मैच तीसरे सेट तक जाती है या नहीं। स्कोर 6-5, खराब डिफेंस एक और बार, 2 पॉइंट गंवाए हैं यहां पर, स्कोर 6-6। इस मैच में वापसी किया है यहां पर भद्रक की टीम, स्कोर 6-6। जोरदार स्मैश और डिफेंड करने में नाकाम है यहाँ पर 3 नंबर की जर्सी पर खिलाड़ी मिस्टर पंडा, स्कोर 7-6। कोलकाता की टीम लगातार अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए इस फाइनल मुकाबले में। देखना होगा ये चमचमाती ट्रॉफी कौन सी टीम हासिल कर पाएगी। कोड़ा की टीम की ओर से सर्विस, जोरदार श्वास, अच्छा डिफेंस, सेटअप भी उतना बढ़िया था, हेड टच देखने को मिला, जिसका नतीजा एक और पॉइंट होने वाला है सभी खिलाड़ियों की ओर से, स्कोर 8-6। अच्छी सर्विस, डिफेंड करने में 3 पॉइंट की लीड बहुत होती है फाइनल मुकाबले में। देखना होगा क्या तीसरे सेट तक जाएगी ये गेम। स्कोर है 9-6, जोरदार स्मैश, डिफेंड करने में नाकामयाब, ब्लॉक करने में नाकामयाब, जिसके नतीजा यहाँ पर एक और पॉइंट भद्रक के खाते में। वापसी करते हुए भद्रक की टीम, स्कोर 7-9। जल्द से जल्द 2 पॉइंट लेकर वापसी करना होगा, इस सेट को जीतना होगा जल्द से जल्द भद्रक की टीम को, इस मैच में बने रहना है तो। इस बार अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट सुमन की ओर से, 6 नंबर के इस पर खिलाड़ी मौजूद, स्कोर 10-7। 3 पॉइंट की लीड, 3 पॉइंट की लीड लेकर कोड़ा की टीम इस सेट में भी आगे बढ़ते हुए। अच्छा सर्विस, उतना ही अच्छा डिफेंड, अच्छा शटअप, जोरदार स्मैश, हेड टच, जिसका नतीजा एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर कोड़ा की टीम 4 पॉइंट की लीड लेकर आगे बढ़ते हुए इस मैच में फाइनल मुकाबले में चमचमाती ट्रॉफी की ओर बढ़ते हुए स्कोर 11-7। अच्छा स्मैश, तो भाई अच्छा यहाँ पर डिफेंड, अच्छा ब्लॉक। बहुत ही लंबी रैली चलते हुए दोनों ही टीमों के बीच आखिरकार पॉइंट हासिल किया यहां पर भद्रक की टीम ने, स्कोर 8-11। देखना होगा कौन सी टीम होगी जो विजयी होगी इस टूर्नामेंट में। शास्त्रीनगर यूथ क्लब की ओर से यह ऑर्गेनाइज वॉलीबॉल टूर्नामेंट। थोड़ी सी खराब डिफेंस, थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग दो खिलाड़ियों के बीच, जिसका नतीजा 1 पॉइंट मिलेगा सामने वाली टीम को, मतलब भद्रक की टीम को, स्कोर 9-11। सर्विस भद्रक की ओर से, बहुत ही अच्छा स्मैश, हिलने का मौका नहीं मिला, जोरदार प्रहार यहाँ पर देखने को मिला। नतीजा 1 पॉइंट की लीड और बढ़ते हुए अपने खाते में अपने टीम के लिए, स्कोर 12-9। थोड़ी सी खराब डिफेंड, साधारण से डिफेंडिंग देखने को मिली। फाइनल मुकाबले में इस तरह की मौके भुनाने होंगे। इस सेट को अगर जीतना है, इस मैच को जीतना है, बने रहना है, इस तरह के मौके भुनाने होंगे। स्कोर 13-9। पिछले यहां पर ये में रैली में देखने को मिला था खराब डिफेंडिंग, इस बार उतनी ही साधारण सी सर्विस देखने को मिला था, स्कोर 10-13। 3 पॉइंट की लीड अभी भी कोयडा के पास। सर्विस होगा भद्रक की ओर से, 6 नंबर जर्सी पर खिलाड़ी मौजूद। जोरदार स्मैश, अच्छा ब्लॉक, लेकिन शायद नेट टच की वजह से 1 पॉइंट मिला। एक और पॉइंट कोयडा के खाते में, स्कोर 14-10। अच्छा श्वास, 11 नंबर की जर्सी पर खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 पॉइंट हासिल किया आपने और अपने टीम के खाते में, स्कोर 11-14। केवल 3 पॉइंट की लीड है यहाँ पर कोडा के खाते में। लगातार पॉइंट बटोरते होंगे भद्रक के खाते में, अगर 3 और पॉइंट आते हैं तो मैच में वापसी करेगी टीम, लेकिन मौका नहीं दे रही है कोयडा की टीम। लगातार मैच में पकड़ बनाई हुई है, स्कोर 15-11, केवल 5 पॉइंट दूर। बहुत अच्छा सर्विस, अच्छा डिफेंस जरूर था लेकिन नाकामयाब थोड़े से, जिसका नतीजा 1 और पॉइंट कोयडा के खाते में, स्कोर 16-11, केवल 4 पॉइंट दूर जीत से। देखना होगा कौन सी टीम अगर 4 पॉइंट प्राप्त कर पाती है, हासिल कर पाती है कोयडा की टीम, एक और पॉइंट कोयडा के खाते में, धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ता हुआ कोयडा की टीम, स्कोर 17-11। 6 पॉइंट की बहुत बड़ी लीड, केवल 3 पॉइंट दूर जीत से। खराब सर्विस, साधारण सी सर्विस, जिसका नतीजा 1 पॉइंट मिलेगा सामने वाली टीम भद्रक को, स्कोर 12-17। वापसी करना होगा, वापसी करना होगा, मैच में बने रहना है तो 12-17। जी नहीं, वापसी का मौका कहां देने वाली है कोयडा की टीम। बहुत ही आक्रामक यहां खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए लगातार, स्कोर 8-18-12, जीत से केवल 2 पॉइंट दूर। सर्विस अच्छी, उतनी अच्छी डिफेंस, आउट ऑफ द कॉर्ट, इसका नतीजा 1 पॉइंट मिलेगा भद्रक की टीम को। यहां से केवल 7 पॉइंट दूर, 5 पॉइंट की लीड है कोयडा के पास। अभी भी कुछ भी मुमकिन है, भद्रक की टीम यहां से अगर जी जान लगाती है वापसी कर सकती है ये टीम, केवल 5 पॉइंट दूर है। सर्विस अच्छी, डिफेंड अच्छा था, इस बार तो हार मार बैठे हैं, जिसका नतीजा एक और पॉइंट भद्रक के खाते में। धीरे धीरे इस मैच में, इस सेट में वापसी करते हुए भद्रक की टीम अगर इस मैच को जीतना है, बने रहना है, तो धीरे धीरे मैच में आना होगा, वापसी करना होगा। एक और पॉइंट सुमन के खाते में और कोयला टीम के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 19 पर, मतलब कि केवल एक पॉइंट दूर, चैंपियन बनने से केवल एक पॉइंट दूर यहां पर कोयला की टीम। अच्छा सर्विस, एक पॉइंट मिला यहां भद्रक की टीम के खाते में। स्कोर 15-19। अंतिम क्षण तक इस मैच को देखना होगा। अगर इस मैच में कुछ अनोखा होता है, भद्रक की टीम वापसी कर सकती है। जोरदार स्मैश, और इसी के साथ चैंपियन बनते हुए कोयला की टीम शास्त्रीनगर यूथ क्लब वॉलीबॉल टूर्नामेंट की चैंपियन टीम कोयला की टीम। सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा तालियों के साथ कोयला की टीम को। कोयला की टीम इसके साथ विजयी होते हुए इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन देखने को मिला। कोयला की ओर से लाजवाब खेल का प्रदर्शन। और जहां तक बात की जाए भद्रक की टीम की, तो फाइनल मुकाबले में ये टीम हारी है, और फाइनल मुकाबले में हारना कोई हार नहीं होती। यहां से कुछ सीख कर गए हैं भद्रक की टीम। फाइनल